हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल जो कि मिल्क केक है। आइए बनाने का तरीका दिखाते हैं। ये मेरा होममेड खोया है जो कि 200 ग्राम है। ये मेरा शक्कर है जो मैंने 300 ग्राम ले रखा है। कटे हुए ड्राई फ्रूट ले रखे हैं जो कि पिस्ता और बादाम है। ये मैंने 1 कप दूध लिया है। ये मैंने घी लिया है, सिर्फ ग्रेस करने के लिए मुझे काम आएगा, देसी घी है। आइए हम बनाने का तरीका अब दिखाते हैं आपको। ये केवड़ा जल है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो इसे स्किप कर दें। ये मैंने घी में कढ़ाई में खोया ले रखा है। इसे अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। ये देखिए मेरा ब्राउन होने लगा है, भूनते भूनते इसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मेरे डालने का ये रीज़न है कि ये दूध जितना पकेगा उतना ही मेरे खोए का कलर चेंज होता जाएगा। मुझे खोए को चॉकलेटी कलर देना है। ये देखिए मेरा दूध पक रहा है। अब इसे मुझमें थोड़ा कलर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। इस कलर को हम चेंज करके इतना डार्क कर लेंगे। ये देखिए मेरा भुन भी चुका है खोया और थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। अब शक्कर थोड़ी कलर चेंज करेगा, मतलब मुझे मिल्क केक वाला ही कलर लाना है बिल्कुल। ये देखिए हमें बिना दूध बिना पानी डाले शक्कर को घुलाना है। शक्कर खुद इसमें लिक्विड हो जाएगा घुल के। अब ये देखिए कितना अच्छा पक रहा है। मुझे खूब पकाते रहना है इसको ताकि इसका ये किनारा छोड़ दें। देखिए अब हम तेज़ हाथों से इसे चलाएँगे, खूब चलाते हुए इसे पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है हम इस बर्तन में घी ग्रेस करेंगे। बस मुझे घी का इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस मिठाई में ज़रा भी घी नहीं लगा है। खोया खुद इतना घी एब्जॉर्ब करता है कि उसमें ही मिठाई हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हम तेज़ हाथों से इसे खूब चलाते हुए इसको सूखा कर लेंगे बिल्कुल। लास्ट में ये आँच धीमी कर देंगे और खूब तेज़ी तेज़ी से चलाएँगे हम मिठाई को ताकि ये जमने जैसा होने लगे। जब किनारा का तलवा पकड़ने लगे और ऐसे गाज जैसा होने लगे तो आप बर्तन में पलट लीजिए इस तरह से। और ये देखिए फैला लेंगे हम पूरे बर्तन को। ये पूरा बर्तन कोट हो चुका है इस मिठाई से। हम इसको टैप करते हुए थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे। जब एकदम जम जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसको ड्राई फ्रूट शेप में काटेंगे, मिल्क केक शेप में काटेंगे ड्राई फ्रूट डालने के बाद। अब ये देखिए मेरा कितना अच्छा तैयार हो गया है। आप इसे बर्फ़ी का शेप भी दे सकती हैं। आज मीठा बनाने का मेरा ख़ास वजह ये है कि आज ही के दिन मैंने पहली वीडियो भी अपलोड की थी, इसलिए आपका साथ और हमारा साथ पूरा 1 मंथ का हो गया है। इसलिए हम ये ख़ास रेसिपी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी रेसिपी को पसंद करके इसे बनाइए और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय।